हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीसीएल में आई हुई एक नई भर्ती, नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमटीएस पद पे मल्टीटास्किंग स्टाफ जो पद है, उस पद के लिए यहाँ पे बीसीएल ने वैकेंसी को निकाला हुआ है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, हालांकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, बल्कि यहाँ पे ये अर्ध सरकारी यानी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के देखरेख में ये कंपनी रन करती है। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, जो कि एमटीएस पद पे यहाँ पे वैकेंसी को लाया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है, इस फॉर्म के लिए कितना पोस्ट है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है फ्रेंड्स, केवल 8वीं और 10वीं पास मांगा गया है। तो कैसे फॉर्म को फिलअप करना, एप्लीकेशन फी क्या है और कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आप इस जॉब को हासिल करेंगे, पूरे डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह है ऑफिशियली वेबसाइट ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है BECIL, BECIL.com इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। आप यहां पे देख सकते हैं, यह है लिंक इसका, जो कि आप देख सकते हैं मैं यहां पे ऑलरेडी इस वेबसाइट पे हूं और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। अब आपको यहां पे आना है नीचे में, आप देख सकते हैं यहां पे, और यहां पे कैरियर वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा एक, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो एक अलग तरीके से पेज ओपन होगा, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं इस प्रकार से ये ओपन हो रहा है, इस प्रकार से ये ओपन होगा एक कैरियर का पेज। यहां पे आपको क्या करना है, वैकेंसीज वाले पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस प्रकार की वैकेंसी है, क्या आपको आवेदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार से जॉब करना चाहते हैं एमटीएस पद पे, तो ये आपके लिए बेस्ट है, जो कि 8वीं और 10वीं पास के लिए यहाँ पे मांगा गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो यहाँ पे मांगा गया है, यहाँ पे दो नंबर पे आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, EDMC जो है, देख सकते हैं दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। और यहाँ पे जो दूसरी जो वैकेंसी, जो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे, जो कि आप ये देख सकते हैं बताया गया है कि यहाँ पे जो सबमिशन डेट है 15 जून है और अपडेट जो हुआ है 27 मई से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया कि ये प्योरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है प्रोसेस, एप्लीकेशन फी क्या है, पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसीज डिटेल्स और पोस्ट का नाम लिखा हुआ है एमटीएस, और टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 464, जो कि ज्यादा पोस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आसानी से। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 8वां पास मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल या बोर्ड से। साथ साथ आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि एमटीएस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे सैलरी जो बताया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 16,341 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको बताई गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाइड है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है दिल्ली के लिए है, और जहां जहां BECIL मतलब BCL का जहां जहां यहाँ पे ऑफिसेज है, वहां पे भी आपको यहाँ पे वैकेंसी दिया जा सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जब बात किया तो इन्होंने बताया कि ये जेन्युइन वैकेंसी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे बात किया, ये नंबर है यहाँ पे फोन नंबर, जो कि मैंने दिल्ली ऑफिस पे बात किया, तो उन्होंने हमको सारी जानकारियां दी और उन्होंने बताया कि इस प्रकार की वैकेंसी आई हुई है। अब देखिए, कैसे आपको आवेदन करना है इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी BECIL.com के वेबसाइट से आपको एक फॉर्म को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ये वेबसाइट, यहाँ पे कैरियर वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो एक PDF आपके सामने खुल के आ जाएगा और इस PDF में आपको पूरी जानकारी फिलअप करनी है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फॉर्म डाउनलोड होता है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं
बताया गया ऑफिस यूज के लिए, इसका आपको छोड़ देना है, डेट फी सब चीज आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपकाना है और यहाँ पे लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। यहाँ पे आप एमटीएस लिखेंगे और एमटीएस लिखने के बाद अपना यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम लिखना है, मिस्टर एमआर मिस जो भी आपका टाइटल है चूज करेंगे। यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, और यहाँ पे बताएगा फ्रेंड्स इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस अगर है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। पैन नंबर यहाँ पे कंपलसरी है, पैन नंबर आपको देना है। कैटेगरी आपको बताना है, जनरल ओबीसी एससी एसटी मैरिटियल स्टेट मतलब शादी है कि अनमैरिड है, जो भी आपका है यहाँ पे चूज करेंगे। नेशनलिटी आपको बताना है, ठीक है ना, तो इसको आपको प्रिंट करके अच्छे से भरना है। रिलीजन यहाँ पे लिखना है 11 नंबर में, जो भी आपका हिंदू मुस्लिम सिख जैसे इस तरह का रिलीजन होता है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद से परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है कैपिटल लेटर में इस बॉक्स में लिखेंगे, जैसे कि विलेज, पोस्ट, यहाँ पे सिटी, स्टेट, पिन कोड और करस्पेंडेंस एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद से 14 नंबर पे आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, दो मोबाइल नंबर मांगा गया है, यहाँ पे दो आप मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, तो फ्रेंड्स हालांकि यहाँ पे आठवीं पास मांगा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है आठवीं पास, आठ से ज्यादा अगर पढ़े तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि आठवीं पास तो लोग बहुत सारे होते हैं लेकिन उतने क्वालिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो आप यहाँ पे दसवीं पास लोग यहाँ पे जरूर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दसवीं पास का आपका डिटेल्स भरना है, जैसे उस बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर कितना में कितना नंबर आपको मिला है और कितना परसेंटेज होगा ये आपको बतानी है। बारहवीं अगर पास है तो आप बारहवीं का भी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस बताना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया दो साल का, देख सकते हैं 2 years आपको वर्क एक्सपीरियंस बतानी है। तो यहाँ पे जो भी आपका एमटीएस का वर्क एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे बताना है, कब से कब तक आपने काम किया ये आपको यहाँ पे बताना है, टोटल यहाँ पे लिखना है कितना एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद से यहाँ पे रिफरेंस बताया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रिफरेंस ये होता है कि अगर आपका उस कंपनी से कोई दोस्त है या कोई फ्रेंड है या आपका जान पहचान का है तो उससे आप रिफरेंस में यहाँ पे उनका डिटेल्स भर सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला 17 नंबर सेक्शन आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज बताया गया कि आप लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, तो यहाँ पे अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी लिखिएगा, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इस पे टिक कर देना है। इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश यहाँ पे आपको बता देनी है, और भी लैंग्वेज आप जानते हैं जैसे गुजराती, मराठी या भोजपुरी, तो यहाँ पे आप अपना डिटेल्स भर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको अटैच करना है ये आपको ध्यान देना है। तो इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद से देख सकते हैं ये दो पेज का प्रिंट है, प्रिंट करके भरिएगा अच्छे से, यहाँ पे नीचे में साइन जरूर कीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे क्या क्या आपको लगाना है, तो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक फोटोकॉपी, उसके बाद से दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट, वो बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे आपका काम करेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो, वर्क एक्सपीरियंस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आपके पास होना चाहिए उसका आपको फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और यहाँ पे बताया गया ईपीएफ, अगर आप दूसरे कंपनी में पहले से काम किए तो ईपीएफ नंबर आपके पास होगा तो उसका फोटोकॉपी आप जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। इन सबका आपको अटैच करना है, इस फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद से क्या करना है आपको, देखिए आगे का जो प्रोसेस है आपको इस पते पे भेजना है। ये देखिए बीईसीएल हेड ऑफिस जो है यहाँ पे, बीईसीएल यहाँ पे रिंग रोड आईपीई स्टेट न्यू दिल्ली, ये पिन कोड है, इस पिन कोड पे आपको भेजना है। उसके ऊपर साफ साफ लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखना है आपको, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए उस जो लिफाफा होगा उस पे आपको लिखना है कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे लिखना है अच्छे से हेडलाइंस में, वहां पे आपको लिखना ये चीज है कि जनरल मैनेजर, यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर एमटीएस पोस्ट, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके अच्छे से भर के और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस पते पे भेजना है। इसके साथ ये देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स आपको उसके साथ अटैच करना है। उसके बाद से देखिए आपको रजिस्ट्रेशन फी भी यहाँ पे देना है। रजिस्ट्रेशन फी में आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। आपके बैंक में जाएंगे तो वहां पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बना दिया जाएगा। अब डिमांड ड्राफ्ट किसके लिए बनाना है, तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग यहाँ पे कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे पेबल एट न्यू दिल्ली, फेवर ऑफ यहाँ पे मतलब उसके संबंध में आपको, मतलब ब्रॉडकास्ट बीसीएल के संबंध में फेवर में आपको एक बनाना है आपको ड्राफ्ट, जो चेक से आपका ड्राफ्ट बनता है। आप बैंक में जाएंगे बोलेंगे कि एक ड्राफ्ट बनाना है। और कितना फीस है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए ₹500, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप के लिए ₹250 आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी ड्राफ्ट के तौर पे बना के इसी के साथ अटैच करना है। यानी आपका फॉर्म हो गया, ये जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया ये फॉर्म, और उसके बाद से यहाँ पे इतने सारे डिटेल्स आपको अटैच करके
एक साथ एक लिफाफे में रख के आपको पोस्ट ऑफिस से या प्राइवेट जो कुरियर है उसके द्वारा भी यहाँ पे आप भेज सकते हैं। ये जो एड्रेस है यहीं पे आपको भेजना है। आप यहाँ पे समझ लीजिएगा अच्छे से, पीडीएफ को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो लास्ट डेट बताया गया एप्लीकेशन फॉर्म जो है 15 जून 2020 तक आप लास्ट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। आप डायरेक्ट भी जाके वहां पे जमा कर सकते हैं, अगर आप वहां के नजदीकी हैं तो वहां से भी आप जाके डायरेक्टली इस पते पे आप डायरेक्टली दे सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो कैसे प्रोसेस होगा क्या है तो आप इस पते पे बात कर सकते हैं। ये जो नंबर है आप देख सकते हैं फोन नंबर, इन सारे नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे आप आसानी से बात कर सकते हैं। मैंने ही बात किया और इनसे सारी जानकारियां लिया हुआ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ये है पूरा वैकेंसी का डिटेल्स, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। ये जेन्युइन है और अच्छा वैकेंसी है। एमटीएस पद पे जो लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं ये भर सकते हैं, जो कि 464 यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीएसएल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।